दोस्तों एक्टर दिलीप कुमार और एक्ट्रेस मधुबाला की जोड़ी बॉलीवुड की फेमस जोड़ी हुआ करती थी। इनकी जोड़ी दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही सुंदर इनकी लव स्टोरी थी। तो आज हम जानेंगे सिनेमा जगत के खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला और पॉपुलर एक्ट्रेस दिलीप कुमार के लव स्टोरी के बारे में। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बॉलीवुड में जब भी प्रेम कहानी का बात होता है तो सबसे पहले इन्हीं दोनों का नाम लिया जाता है। इनकी प्रेम कहानी जितनी पर्दे पर खूबसूरत लगती थी उतनी ही असल जिंदगी में भी थी। दोनों का रिश्ता 9 सालों तक चला था, लेकिन सिर्फ एक जिद की वजह से ये खूबसूरत प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो सकी। बाद में जब दिलीप साहब ने सायरा बानो से शादी की और मरते दम तक सायरा बानो ही उनके साथ में रही थी, मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली थी। लोग कहते हैं कि मधुबाला और दिलीप कुमार पहली बार फिल्म तराना के सेट पर मिले थे। इसी फिल्म के बाद से दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। उस समय मधुबाला का उम्र 18 साल था और दिलीप कुमार का 29 साल। एक्ट्रेस मधुबाला बेहद सुंदर थी, उस समय सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्वालियर में फिल्म की शूटिंग हो रही थी। उस दौरान ग्वालियर में कुछ गुंडों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की और उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। जब इस बात की खबर मधुबाला के पिता को पता चली तो उनके पिता ने डायरेक्टर को शूटिंग की लोकेशन को बदलने के लिए कहा। इसके बाद जब डायरेक्टर ने उनकी बात नहीं मानी तो ये बात कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट में दिलीप साहब ने ये गवाही दी कि इस इलाके में सब कुछ ठीक चल रहा है। इस घटना के बाद से दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी। एक इंटरव्यू में मधुबाला की बहन ने बताया था कि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप साहब उनके पिता से माफ़ी मांग ले। दोनों की फ़ोन पर बात हुई थी, तब दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा था कि तुम अपने पिता को छोड़ दो और तुम मुझसे शादी कर लो। दोनों ही अपने जिद पर अड़े हुए थे, इस वजह से रिश्ता तबाह हो गया। इस केस के बाद एक्ट्रेस मधुबाला और एक्टर दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म मुगले आजम पर साथ काम की थी। इस दौरान रिश्ते इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि दिलीप कुमार मधुबाला से बात तक नहीं करते थे। पर्दे पर सलीम और अनारकली की मोहब्बत जारी थी, लेकिन असल जिंदगी में दूरियां बढ़ चुकी थी। इसी फिल्म के बाद दिलीप कुमार और मधुबाला अलग हो गए थे। तो इस तरह से दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो गए थे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।